अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट एंड सेवरीज बाय सुमेरा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए पाँच मिनट में, लिटरली पाँच मिनट में झटपट बनने वाले रवायती शाही टुकड़े। इतनी क्विक रेसिपी है, और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, ये बनते हैं माइक्रोवेव में, तो आपको चूल्हा जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आप चूल्हा जलाएंगे वो आप जलाएंगे अपने ब्रेड को फ्राई करने के लिए। वो भी इसका ऑप्शन मैं आपको ये दूं, हेल्दी वर्जन अगर आपको इसको करना है, बिकॉज़ डायबिटीज़ के लिए हिसाब से लोग कहते हैं कि आप कुछ बताएं कि हम खा सकते हैं, तो ये आप ब्राउन ब्रेड को लेके एयर फ्रायर में भी कटर से काट के टोस्ट कर सकते हैं। उसमें फिर ये होगा कि ना वाइट ब्रेड जाएगी ना आप इसको फ्राई करोगे घी में। मैंने इनको ऑब्वियसली, बिकॉज ट्रेडिशनल रेसिपी है, रिवायती रेसिपी है, तो मैं इसको ओरिजिनल तरीके से बता रही हूँ, बट मैं आपको वेरिएशन दे रही हूँ। ये वाइट ब्रेड है, इसको मैंने कुकी कटर से काट लिया है। आपके पास कुकी कटर नहीं है, आप किसी भी किसी छोटे बोल से काट सकते हैं, किसी बॉटल के ढक्कन से काट सकते हैं। वो भी नहीं करना तो आप छुरी से इसको स्क्वायर या ट्रायंगल में, जैसे हम सैंडविचेस के लिए करते हैं, हम वैसे भी काट सकते हैं। घी में इसको इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। उसके बाद कोई भी आप पायरेक्स का अपना डिश लोगे, उसके अंदर आप ऐड करोगे पानी और शुगर। शुगर और पानी का हमने बनाना है शीरा। शीरा बनेगा माइक्रोवेव में, ठीक है। पानी मुझे चाहिए आधा कप और चीनी मुझे चाहिए एक कप। एक कप चीनी और इसमें जाएगा जर्दे का कलर, पिंच ऑफ जर्दे का कलर, एंड वन कप वाटर। और इसको हम माइक्रोवेव में 5 to 7 minutes के लिए माइक्रो में शुगर को मेल्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही शुगर ये मेल्ट हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हमने क्या करना है। अच्छा, ये आप देखें माइक्रोवेव में ये 8 minutes में हो गया, ठीक है। इसका अच्छा सा शीरा बन गया है। 1 cup sugar, 1/2 to 3/4 cup water। अब हम ये इसमें ब्रेड स्लाइसेस को अरेंज करेंगे, अरेंज करके और इसको सोक होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आपको मैं बताऊंगी इसको हम किस तरह फिर करेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर से हम इसको इस तरह से, ताकि ये दोनों तरीकों से, दोनों साइड से अच्छे से सोक हो जाए। आप इसमें सिंगल लेयर भी दे सकते हो, आप इसमें डबल लेयर भी दे सकते हो, जिस तरह आपको चाहिए, ठीक है। ये इसको हमने अरेंज करके और इसका प्लेटर को हम साफ करें, शीरा है, चिपकना नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी मिल्क का मिक्सचर। इसके लिए मुझे चाहिए 2 cup दूध, फुल फैट मिल्क है ये, ठीक है। 2 cup दूध, इसमें जाएगा 1/2 cup खोया, इलायची पाउडर, जो लोग अब्रॉड रहते हैं इलायची पाउडर 1 teaspoon दिया है। अगर आपके पास खोए मिलने की फैसिलिटी नहीं है तो आप इसमें मलाई डाल सकते हैं। मलाई ना आपके पास नहीं है तो आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हो। क्रीम भी नहीं है तो आप इसमें 4 tablespoons पाउडर मिल्क डाल देना, वाइटनर नहीं, पाउडर मिल्क। स्लाइस्ड पिस्ताशूज, स्लाइस्ड आमंड्स एंड ज़ाफ़रान। अच्छा, बादाम पिस्ते मैंने इसमें 1/2 teaspoon डाले हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ज़ाफ़रान, सैफ्रॉन इज़ 1/4 teaspoon। ये ऑब्वियसली जब हम लोग इस तरह के मीठे बनाते हैं तो वी मेक श्योर कि हम इसमें सैफ्रॉन ऐड करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं यूज़ करना, आपको इसको एक्सपेंसिव है या फॉर एनी अदर रीज़न, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ केवड़ा। सैफ्रॉन का ऑल्टरनेटिव केवड़ा है या गुलाब का अर्क, बट इसमें 2 essence जाते हैं, ठीक है, खुशबू। एक मैंने डाला है इलायची और उसके साथ ज़ाफ़रान। यू कैन ऐड इलायची रोज़ और इलायची एंड केवड़ा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर ये दोबारा से हमारे ब्रेड और शीरे के मिक्सचर में जाएगा। ये इस तरह आप देख रहे हो शीरा रहेगा, ये जब ये माइक्रो में जाएगा फिर ये ड्राई होगा। अब हम इसके ऊपर ये पोर करेंगे।
पोर करने के बाद एक दफ़ा दोबारा मैं आपको इसको रिकैप कर दूँगी, क्योंकि ये क्विक रेसिपी है, इजी रेसिपी है। आई डोंट वांट कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब अब हम इसमें मिल्क ऐड कर दिया तो हम इसको फौरन माइक्रो में नहीं डालेंगे, ठीक है। हम इसको सोक करने के लिए 10 टू 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। इस हाल में, इस पोजीशन में आप इसको माइक्रो में नहीं डालोगे। 15 मिनट्स इसका मिनिमम सोकिंग टाइम है। जितना ये सोक होगा अंदर ब्रेड में सारा, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। ये देखें, इसको 15 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से ये सोक हो गया है। आपने देखा इसमें कलर कितना खूबसूरत आ गया है, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो। बट सोकिंग 15 मिनट्स इज़ अ मस्ट, ठीक है। उसके साथ सोकिंग आप करेंगे तो ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब चलते हैं इसको माइक्रो में लेके। माइक्रो में ये होगा तकरीबन 10 टू 12 मिनट्स के लिए, और फिर जब तक ये दूध इसका 80 to 85% ड्राई हो जाना चाहिए, और हम इसको करेंगे फिर गरम गरम सर्व। जी, ये देखें, यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से रिवायती ट्रेडिशनल शाही टुकड़े बनके रेडी हैं। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी कि आप इसको फील करो, आप लोग जब बनाओगे, कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें इसको, ये सॉफ्ट क्यों है आपको याद है, मैंने आपको कहा था कि ये आप इसको सोक लाजमी करेंगे। जितना आप इसको सोक करेंगे उतने ये खूबसूरत बनेंगे। ये गरम सर्व होते हैं। इसमें जो ज़ाफ़रान का कलर आया है, अरोमा आया है, आई कैन नॉट टेल यू, बिल्कुल ये, और ये टेस्ट भी इसका हेवनली होता है। सो यू हैव टू ट्राई दिस, जल्दी बन जाते हैं। इसके अलावा बस आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल जो रखना है कि इसको आपने दोनों को सोक करना है। शुगर सिरप में भी सोक होगा ये, और जब आप दूध का मिक्सचर डाल देंगे जब भी सोक होगा। मैं अगर आप मेरी राय लेना चाहेंगे तो आई वुड से कि प्लीज़ मेक इट विद सैफ्रॉन। ऑब्वियसली ये चीज़ें रोज़ खाने की नहीं होती, आप थोड़ा सा अगर स्पेंड कर लोगे, और क्वार्टर टीस्पून डालता है रोज़ एसेंस से बहुत अच्छा बनेगा, गुलाब के अर्क से, केवड़े से भी बहुत अच्छा बनेगा, बट ज़ाफ़रान की जो बात है वो उन दोनों में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।